दीक्षा क्या कर रही है, इस बछड़े का नाम रखी है पिंटू और इसको दौड़ा दौड़ा के भूसा मैंने ले लिया। ये रही खरी, अब इसी को इसमें डाल के मूंगी अच्छे से। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं विभाव सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी की दुनिया में। कहो कैसे हो आप सब, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे, भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम हो है और मैंने अभी गैया धो के आई हूँ। ये रही जतनवी जो कि परमानेंट आपको वीडियो में देखने को मिलती ही मिलती है। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं गैया धो ली हूँ और इधर बन रही है सुबह की में हमारी मज़ेदार सी चाय। ये देखिए ये बन रही है हमारी मज़ेदार सी चाय और दीक्षा अभी सो रही है, शिवांश भी जग गया है, इधर है धीरज, ये रहा धीरज। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी सफाई चल रही है, मैंने गैया धो लिया, अब जा रही हूँ उसको मैं छोड़ दूँगी, वो चली जाएगी चरने के लिए। आप लोगों को बताया नहीं था तो बता देती हूँ, मैंने दूसरी गैया रख ली है, ये मैंने पैसे से खरीदी है, ऐ रही नहीं बांधी है और ये उस वाली से ठीक है, पैर तो लात तो ये भी चलाती है पर ठीक है, इसका धो लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए चाय वाय पी के मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग भी चाय वाय पी लीजिए तब तक। तो फ्रेंड्स हम लोगों का नाश्ता हो गया है, मैंने आलू बीन्स और की सब्जी और पराठा बनाया हुआ था, आंगन साफ होगा, हवा इतनी ज़्यादा चल रही, इतनी ज़्यादा लू चलने लगी है। अभी टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है धीरज? 1 बजे क्या 11 बज रहे हैं टाइम अभी 11 ही बज रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे 2:30 बज रहे होंगे। तो अभी छत पे ले चलती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, छत साफ हो रहा है, तो जकंदी लगी हुई है, जकंदी से साफ करवा रही हूँ, आज कुरानी लगी है सफाई में, काफ़ी टाइम से नहीं साफ हुआ था महीनों से। आप लोग देख पा रहे हैं इधर जकंदी साफ कर रही है, पत्ते बहुत ज़्यादा हैं और इधर ये देखिए छत की क्या कंडीशन है, आम वाम भी गिरे हैं बहुत सारे। मैं आ गई हूँ छत पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ, और आते ही इतना आम मिल गया है, ये सुग्गा काटा आम है और सब इसमें कोयली आ गए हैं, बोलते हैं ये कोयली कोयली आए कहे जाते हैं जकंदी आम। चोट लगी है, वो पत्थर गिरे थे ना तो चोट लग गई, उसके पहले भी जो कोयली आते हैं वो जौन पत्थर उत्थर न गिरने के पहले जौन कोयली आ जाते हैं वो उसकी वो ताप से कोयली आ जाता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि कोयली पात दी है। तो मैं नीचे आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ थोड़ा शिवांश को नहलाऊंगी, अभी मैंने भी नहीं नहाया, कपड़े बदल के मैंने खाना बना दिया था नाश्ता सबके लिए, तो अभी मैं भी जाके नहाऊंगी, शिवांश को भी नहलाऊंगी, थोड़े कपड़े हैं उसको धोऊंगी, ये इसका एक इसका कपड़ा है, इसका भी कल से पड़ा है, इधर गुन्नू है, गुन्नू के भी कपड़े पड़े हैं, तो सबके कपड़े उपड़े धो के फिर आप लोगों से थोड़ी देर में भी मैं मिलती हूँ। दीक्षा क्या कर रही है, इस बछड़े का नाम रखी है पिंटू और इसको दौड़ा दौड़ा के नहला रही है, ये देखिए। हो गया दीक्षा, बस कर बस कर दीक्षा, बस करो, नहा लिया वो, नहा लिया, बस करो। इसका नाम रखी है पिंटू, नहला रही है, ये भाग रहा है, बस करो बस करो, बंद करिए मोटर, मोटर बंद करिए, ठंडा जाएगा वो, बंद करो। फ्रेंड मैं नहा धो के रेडी हो गई और सिवान सभी सो गया, उसको थोड़ा सा दूध पिला दिया तो वो सो गया, और खाने में मैंने दोपहर में सिर्फ दाल चावल बनाया क्योंकि सब्जी पराठा सुबह सब लोग खा लिए थे, अभी कोई खाने को तैयार नहीं हो रहा है। और मेरी गैया आके बछड़े से अपना, बछड़े ने सारा दूध पी लिया, गैया को मैंने ढील दिया था तो वो पता नहीं कितनी टाइम आके और पूरा दूध पिला ली। तो चलिए अभी इन लोगों को खाना पीना के लिए बोलती हूँ, खा पी लेंगे, इन लोगों को खाना पीना दे देती हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। थोड़ा सा आज घर कमरे की थोड़ी सी सेटिंग करनी थी क्योंकि ये लोग भी अपने, हाँ मोटर बंद कर देना गुन्नू, कमरे की भी थोड़ी सी सेटिंग करनी क्योंकि सारे कपड़े जो जहाँ हैं वहीं के वैसे पड़े हुए हैं एकदम से, तो कूलर वूलर में पानी भर दें उसके बाद कूलर चलाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, भर गया। तो फ्रेंड मैं कोशिश करती हूँ कि गैया को अब बांध दूँ क्योंकि जो थोड़ा बहुत दूध बचा है वो भी ना पी ले, तो बांधने के लिए पहले कुछ मैं ढूंढती हूँ उसके बाद ना बांधूँगी, बांधूँ किसे मैं, ये देखिए ये छत से इतना कचरा निकला है, इधर ये रही गैया, तो कुछ है ही नहीं, एक दीदी का था शायद वो लोग ले गए हैं, तो आज पूरी दोपहर ही ऐसे ही करेगी, दूध तो सारा पिला ही ली, देखते हैं। ए जकंदी, तो
फ्रेंड्स, ये आ गई स्प्राइट, इसको पीना है। आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अभी हम ये ले आए थे, कल ही ले आके रख दिए थे, अभी मैं गाड़ी इसको पीऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में। तो फ्रेंड, अभी शाम को बज रहे हैं 5 बज गए। हम लोग दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोए क्योंकि बच्चे भी थे। और अभी मुझे मिल गई मेहंदी, तो मैंने ये देखिए कुछ इस तरीके से लगा लिया है। मेहंदी थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसकी जो कोन थी वो बहुत ज़्यादा सूख गया था। बहुत पुरानी मेहंदी का पैकेट रखा हुआ था, तो मुझे मिला तो मैं लगाना शुरू कर दी। पता नहीं क्यों अचानक से आज मन ही कर गया, बट सावित्री वाले दिन भी टाइम नहीं मिल पाया था मेहंदी लगाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज ही थोड़ा सा लगाई हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इधर बन रही है हमारी शाम की चाय, देखिए शाम की चाय रही है। और अब हम लोग चाय वाय पियेंगे, उसके बाद इन लोगों को निकलना है थोड़ा सा निमंत्रण। धीरज भी जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरा भी है और धीरज का भी है, मतलब मेरे ससुराल साइड का भी है और धीरज की तरफ से भी वो लोग बुलवाए हैं। तो अब मैं पल्लू कैसे बनाऊँ, एक हाथ से फ़ोन भी पकड़ी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मुश्किल से 10 मिनट रखूँगी, फिर कितना चढ़ती है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। तो चलिए मैं फटाफट चाय वाय रस्ती, हाँ रची रचना यानी चढ़ना वही होता। तो चलिए मैं अभी इन लोगों को जल्दी से फटाफट तैयार करके भेजूँ, चाय वाय हम पी लेते हैं हम लोग भी। तो चलिए, तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा देर मेहंदी नहीं रख सकती, अब ये देखिए बस इतना सा चढ़ी है। मुश्किल से 10 मिनट मैंने रखा था मेहंदी को, तो फिर भी ठीक है, ये चढ़ जाएगी रात तक और भी अच्छे से। ज़्यादा डार्क मुझे पसंद भी नहीं है, ज़्यादा डार्क हो जाती है तो फिर उसका ब्लैक सा पपड़ी छोड़ता है, और मुझे बिल्कुल भी मतलब इतना उबाऊ लगता है ना मेहंदी लगा के बैठना। हाँ इसको धो दो, इतना उबाऊ लगता है मुझे मेहंदी लगा के बैठना। रात को सोते टाइम चलो लगा लिए तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा उबाऊ लगता है। और वट सावित्री की पूजा में भी मैं नहीं लगा पाई थी काम की बस। तो अभी हम जा रहे हैं खाने आम, ये जो बाजार से आया हुआ है, अभी इसी को कटवाएंगे, धीरज काटेगा। इधर गुन्नू भी मेहंदी लगा ली, गुन्नू तुम्हारी मेहंदी देखे दिखाओ, ये देखिए। तो चलिए इसको आम खाना है, आ जाइए फटाफट। गाय आ गई, गाय को मैंने बांध दिया इधर, ये देखिए खूंटे से मैंने बांध दिया इसको। हाय करो धन्नो, हाय करो। तो चलिए इसको मैं सानी मो देती हूँ, वो कर रही है वो की हाँ ले वही लेगी ले, ले ये लेगी ले ले हाँ। तो चलिए इसको मैं चारा दे दूँ पहले, भूसा आप मत करो गुन्नू, कटकुटाएगा। मैं निकालती हूँ, तो चलिए इस भूसे को मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। इसमें ये पूरा मेरा भूसा ही है, मैंने इधर पैक करके रखा हुआ है, 2-2.5 ट्राली बनवाया था तो इधर ही पूरा पैक करके मैंने रख दिया है। अभी सीट नहीं छवा पाई हूँ थोड़ा मनी प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए, तो फ्रेंड ये भूसा मैंने ले लिया, ये रही खरी, अब इसी को इसमें डाल के मूंगी अच्छे से। धीरज अपना वीडियो सुना रहा है मुझे, ये देखिए टोई टोई आटा पिंटू को भी पूछा, तुम ही खिला दो पिंटू को अपने। इसमें पूरा खरी को मैं ऐसे पलट दूंगी और अच्छे से डाल देगी, पूरा इसको अच्छे से मैं डाल के मौत के, इसमें भी पिसान भी किलो भर डालूंगी, फिर धन्नो खाएंगी। नाद टूट गई मेरी फ्रेंड, ये मैंने इसका धन्नो का अपने खाना रख दिया भोजन, ये धन्नो खाने लगी है। धन्नो खा रही हो, पूरा फिनिश करना ठीक है। मेरे हाथ में लगा हुआ है, मैं हाथ धुल लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ थोड़ा सा छत पे देखूंगी जो आज साफ सफाई हुई है। अभी मैं गई नहीं हूँ तो आप सबको भी दिखाती हूँ, मैं भी चलती हूँ। अरे पिंटू, ये देखिए इसका पिंटू ही नहीं खा रहा है, ये पिंटू की दीदी है, आपने नजर लगा दी है, नजर उतार लेते, नजर भी लग गई। तो फ्रेंड मैं चल रही हूँ छत पे, ये देखिए छत की सीढ़ियाँ भी साफ हो गई हैं, फिर से इतना साफ हुआ होगा पत्ता फिर से गिरना, पत्ते गिर गए हैं ना, अभी थोड़े ही गिरे हैं ये देखिए, पर थोड़े थोड़े पत्ते गिरने शुरू हो गए। इधर का ये मिट्टी नहीं हटा क्या, वो देखिए वहाँ कोने पर एकदम
अभी है ही है, वो रहेंगे ही रहेंगे। पत्ते गिरते हैं। तो कुछ इस तरीके से सब छत बिल्कुल साफ हो चुकी है और पत्ते फिर से वापस से गिरना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं उधर कोने में बहुत सारे पत्ते वहाँ इकट्ठा हुए हैं और वहाँ भी इकट्ठा हो गए। ये मिट्टी भी है वहाँ पे। तो फ्रेंड आम सब ना झर गए, आंधी में बहुत सारे झर गए, थोड़े थोड़े ही बचे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया शाम का टाइम और सूर्य भगवान बिल्कुल ढल गए हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। आज बादल जैसे मौसम है और छत पे इतनी बढ़िया हवा चली, अभी भी गरम गरम लग रही, जो हवा चल रही है उसका अभी भी गरम गरम भाप जैसे बिल्कुल है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया छत सा। वहाँ क्यों गई हो दीक्षा? वो देखिए दीदी वाले छत पे चली गई वो।